ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, तेरे बर्थडे की खुशी में आज बिन मांगे चाय आ गई। इसमें चाय कहाँ है? है चाय, पी के तो देखो। अरे पर मुझे दिख ही नहीं रही तो पीऊं कैसे? अरे पियो तो सही। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी। आपको चाय देखनी है ना और फिर पीनी है, रुको। देखो चाय, चलो आ करो आ। चाय पी ली, अब आप जल्दी से ऑफिस चले जाइए। स्पून से कौन चाय पीता है? अब मैं बाहर जाके चाय पी लूंगा, टेस्ट खराब हो गया। 9 और 10। मामा, हाँ, आज मेरी ग्राफ की एग्जाम है, मुझे ग्राफ पेपर दो ना। ग्राफ पेपर? हाँ, 4 देना। 4? ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। चलो 1, 2, 3, 4, 4 पेपर। पर अगर इतने सारे पेपर मैंने सूरज को दे दिए तो धीरे धीरे करके ये सारे क्राफ्ट पेपर भी खत्म हो जाएंगे और फिर मुझे फिर से इन्हें लेने शॉप पे जाना पड़ेगा और इन्हें लेने के लिए पैसे भी तो देने पड़ेंगे और धीरे धीरे करके मेरे सारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, फिर मैं बचत कैसे करूंगी? ये लो सूरज बेटा, आपके 4 क्राफ्ट पेपर। मामा, पर ये तो बहुत छोटे हैं। हाँ, आप छोटे हो तो आपके क्राफ्ट पेपर भी छोटे ही होंगे ना। मम्मा ना कभी नहीं सुधरेगी, तो मैं बबलू से ही ग्राफ पेपर मान लूंगा। क्या करिश्मा भाभी, कितने कंजूस हो आप, अपने बर्थडे पर एक कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिला सकते, बलून डेकोरेशन भी नहीं कर सकते, नाश्ता भी नहीं करा सकते। कंजूस कहीं के। मैं करूंगी, सब करूंगी। पूजा भाभी देखो बलून, पूजा भाभी देखो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, पूजा भाभी देखो इतनी सारी चॉकलेट, पूजा भाभी देखो नाश्ता भी है। अब बताओ हूँ मैं कंजूस? अब करिश्मा भाभी, मैं आऊं क्या आपकी बर्थडे पार्टी में? नहीं। हेलो, हाँ भैया, वो मैं अभी आपकी शॉप से कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और नाश्ता लेके गई थी, पर मैं जैसे ही घर आई ना, वे सारे मेहमान चले गए थे। अब इतनी सारी चीजों का तो बिगाड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा ना आप फिर से रिटर्न ले लीजिए और पैसे मुझे दे दीजिए, तो मैं लेके आ जाऊँ। हाँ हाँ, मैं लेके आती हूँ। चलो, मेरा प्लान कामयाब हुआ। अब इन गुब्बारों में से हवा निकाल देती हूँ ताकि अगले बर्थडे में काम आ जाएंगे। हाँ।